नमस्कार। डायलिसिस एक रिलेटिवली नई तकनीक है और इसके बारे में लोगों के मन में जानकारी की कमी है और बहुत बार लोग इसको गलत रूप में ले लेते हैं। एक सोच ऐसा भी है कि बहुत बार किडनी के स्पेशलिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट मरीजों को बता देते हैं कि डायलिसिस की ज़रूरत है, क्रिएटिनिन आपका 8 आ गया, फिर भी मरीज डायलिसिस नहीं लेते और उसको टालते हैं। और होता क्या है कि डायलिसिस नहीं लेने के बावजूद एक आध महीने बाद तक कोई खास तकलीफ नहीं होती, तो लोगों को लगता है कि शायद नेफ्रोलॉजिस्ट की सलाह गलत थी और उनके मन में अविश्वास पैदा होने लगता है, लैक ऑफ ट्रस्ट होने लगता है। और बहुत बार क्रिएटिनिन 8 या 9 से घट के 6 या 7 भी हो जाता है, तो उनको लगता है कि किडनी ठीक हो रही है। हकीकत जबकि पूर्णतः अलग है। होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके मेटाबॉलिज्म से जो जहर बनता है और हमारे मांसपेशियों का जो मेटाबॉलिज्म होता है, इन चीज़ों से यूरिया और क्रिएटिनिन बनता है। तो अगर किसी का खान पान कम हो जाए, किसी का मसल मास कम हो जाए, तो किडनी फेलियर के बावजूद ये संभव है कि यूरिया और क्रिएटिनिन उस मरीज में कम दिखे। उदाहरण के तौर पे 80 किलोग्राम के मनुष्य में जो 4 क्रिएटिनिन के मायने हैं, अगर उसका वजन 40 किलो हो गया तो क्रिएटिनिन 2 का मायने सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग क्रिएटिनिन नहीं, किडनी फंक्शन की बात करते हैं, GFR की बात करते हैं कि किडनी काम कितना कर रहा है। तो तकरीबन 80 किलो के आदमी में अगर 4 क्रिएटिनिन है तो आप ये मान लें कि किडनी 20% काम कर रही है। अगर ये आदमी अपना वजन कम करके 40 किलो कर लेता है तो क्रिएटिनिन भी 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिएटिनिन घटा तो है लेकिन किडनी का फंक्शन इम्प्रूव नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी चीज है जो मरीजों को समझना चाहिए। तो अगर डायलिसिस की जरूरत आ गई, और ये कब आती है, जब किडनी 10% से कम काम करने लगे, तो अगर हम उपवास करके, खाना कम करके या भूख नहीं लगने के कारण जो यूरिया और क्रिएटिनिन घट रहा है वो एक छलावा हो जाता है। तो ओवरऑल ऐसा बहुत बार देखा है कि लोग डायलिसिस से बचने के लिए अपने आप पे ही अत्याचार करने लगते हैं, दाल तक बंद कर देते हैं और वो कमजोर हो जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि डायलिसिस की जिंदगी शुरू करने के पहले एक स्मूथनेस होनी चाहिए। अगर आप दवाइयों से काम चला रहे हैं और अब डायलिसिस की जरूरत है तो ट्रांजिशन हैज टू बी वेरी वेरी स्मूथ। ठीक वैसे जैसे बारिश में छाता कब निकालते हैं, भीगने के पहले, भीगने के बाद छाता निकालेंगे तो लाभ ज्यादा नहीं होगा। तो बहुत बार अगर हम डायलिसिस को टाल दें तो मैंने बहुत मरीजों में देखा है कि बीमारी अंदर से बढ़ जाती है, उनका हार्ट कमजोर हो जाता है, स्किन में खराबी आ जाती है, हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, ब्रेन में कमी आ जाती है, और फिर ऐसे मरीज को डायलिसिस करके भी सेहतमंद बनाना हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि एक डायलिसिस यूनिट में एक ऐसा मरीज है जो कि एकदम फिट है, चल के आता है, चल के चला जाता है, उसके रिजल्ट हमेशा अच्छे रहेंगे। जबकि दूसरी तरफ ऐसे भी मरीज होते हैं जो बीमारी को इतना बढ़ा देते हैं और इतना लेट डायलिसिस चालू करते हैं कि डायलिसिस अपनाने के बावजूद वो शरीर या सेहत को वापस लाना हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अपनी जानकारी को बढ़ाएं, अगर डायलिसिस जरूरी है तो उसको सही समय पे लें। शरीर खराब करके, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा करके डायलिसिस करने से डायलिसिस की बदनामी होती है और मरीज को स्वास्थ्य लाभ भी नहीं मिलता।